गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर EBS ऑनलाइन क्लास। डियर चिल्ड्रन, वी आर डूइंग चैप्टर 11 वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स। टुडे वी विल कवर पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर एंड इट्स यूजेस। सो प्लीज ओपन योर बुक्स पेज नंबर 67 एंड लेट अस रीड अबाउट पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। हाँ जी बेटे, parts of a flower. The main parts of a flower are sepals, petals, stamen and carpel. ठीक है, मेनली तो ये चार होते हैं और इनके अलावा और बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, इनके अंदर सब पार्ट्स कह सकते हो। सेपल्स देखो, पहले तो सेपल्स होती हैं ग्रीन जो लीव्स होती है ना, बड के आसपास, जो हमने कल भी पढ़ा था बड के बारे में, तो बड के आसपास जो बड को कवर करने के लिए ग्रीन पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड सेपल। उसके बाद है पेटल्स, होती हैं इनकी पत्तियाँ, फूल की जो पत्तियाँ होती हैं। स्टेमन है ये, ठीक है, ये स्टेमन है। स्टेमन में एंथर एंड फिलामेंट, ठीक है, दिस इज एंथर और ये जो लंबी सी है ये होता है फिलामेंट। ये दोनों मिलकर क्या हो गया, ये स्टेमन। ओके, देन कार्पेल होता है ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये तीन चीज। स्टिग्मा क्या है, ये ऊपर का हिस्सा, स्टाइल इज दिस एंड ओवरी है ये, ठीक है। ये तीनों चीज़ों को मिलाकर इस जो बनता है वो है कार्पेल। इसको क्या बोलते हैं हम, कार्पेल, या फिर बोलते हैं इसको पिस्टल, पिस्टल PISTIL। ओके, ये होता है और ये स्टॉक हो गया। अब इनके बारे में अलग अलग हम डिटेल पढ़ते हैं। सेपल्स, द ग्रीन पार्ट ऑफ द आउटर मोस्ट, टर्न द पेज प्लीज। हाँ जी, सेपल का है, द ग्रीन पार्ट ऑफ द आउटर मोस्ट सर्कल ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड सेपल। द सेपल प्रोटेक्ट्स द फ्लावर व्हेन इट इज अ बड। आपको बताया था ना, बड जब होता है और उसके आसपास क्या होता है, ग्रीन पार्ट, जो ग्रीन लीव से वो कवर होता है फूल, उसको हम सेपल बोलते हैं। जैसे जैसे फिर वो खिलता है, ब्लूम करता है, तो सेपल खुलता जाता है और उसके अंदर से उसकी पेटल्स भी खुलते जाते हैं। नेक्स्ट है पेटल्स। पेटल्स आर द ब्राइटली कलर्ड पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। जिस भी रंग का फूल होगा उसके रंग की पत्तियाँ जो होती हैं वो पेटल्स होती हैं। दे आर अरेंज्ड इन अ सर्कल इनसाइड द सेपल। सेपल के अंदर वो सर्कल में अरेंज होते हैं और जैसे जैसे वो खिलता है, ब्लूम करता है, तो वो पत्तियाँ खुलना शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट इज स्टेमन। इनसाइड द पेटल्स आर स्टॉक्स विथ स्वॉलन टॉप्स। स्टॉक होता है और उसके ऊपर पूरा वो खिला हुआ हिस्सा होता है सारा। दीज आर कॉल्ड स्टेमन्स। द स्वॉलन टॉप कंटेन्स अ येलो पाउडरी सब्सटेंस कॉल्ड पॉलन ग्रेन्स। आपने अभी डायग्राम देखा था, यहाँ मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। ये देखो, ये स्टॉक है, ठीक है, स्टॉक के ऊपर ये सारा पार्ट है और ये देखो येलो येलो हिस्सा सा जो दिखता है ना, ये पाउडरी सा होता है। कभी आप कोई फूल लेना, देखो उसको, तो उसमें जो बिल्कुल येलो कलर का पाउडर पाउडर सा होता है, आप टच करोगे ना ऐसे लगेगा जैसे पाउडर है, वो क्या है, उसके पॉलन ग्रेन्स हैं। पॉलन ग्रेन्स से ही आगे फिर फूल और खिलते हैं और निकलते हैं, उन्हीं से हम लोग इनको ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स नो, फ्लावर्स आर यूज टू एक्सप्रेस फीलिंग्स। दे सिम्बलाइज लव, हेल्थ, पीस, फ्रेंडशिप एक्सेट्रा। फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए भी फ्लावर्स यूज़ करते हो ना, आप मदर्स डे पे मम्मा को देते हो ना फ्लावर्स, क्यों देते हो, टू शो हर योर लव, है ना, तो इसलिए हम लोग देते हैं। इनसे बहुत ही अच्छा फील होता है, फूलों को देखकर ही इतना अच्छा फील होता है, तो इसलिए इसको हम इस तरह का कहते हैं, ठीक है, फीलिंग्स एक्सप्रेस करने वाला। नेक्स्ट है कार्पेल। कार्पेल को मैंने एक और नाम बताया था अभी आपको, विच इज़ कॉल्ड पिस्टिल। इसके अंदर कौन कौन से थ्री पार्ट्स आए थे, आपने इमेज देखी थी अभी, फिर से देखो, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये तीनों मिलकर क्या बनते हैं, कार्पेल या फिर हम क्या कहते हैं, पिस्टिल। ओके, इन द मिडल ऑफ अ फ्लावर लाइज अ थिन फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड कार्पेल।
फ्लास्क की शेप का इतना फ्लास्क देखिए ना आपने, आजकल तो ज्यादा घर में यूज भी हो रही होगी, ये देखो है ना फ्लास्क की शेप बन रही है ना ये, ठीक है। ये देखो यहाँ ऐसे इस जगह लाइन लगा दो तो ये है, ये फ्लास्क की ही शेप है ना, ठीक है। तो ये है हमारा कार्पेल और इट इज ऑल्सो कॉल्ड पिस्टिल। मैं इससे रिलेटेड आपको एक वीडियो भी भेजती हूँ बेटा, आप उसको देखेंगे तो ये आपको सारा और भी अच्छे से एनिमेटेड वीडियो भेजूंगी और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इज यूजेज ऑफ फ्लावर्स। वी यूज फ्लावर्स फॉर द फॉलोइंग पर्पजेज। इन नीचे जो भी ये दिए हुए हैं इन इन पर्पजेज से हम लोग फ्लावर्स को यूज़ करते हैं। आप खुद ही बताइए आप कैसे यूज़ करते हैं फ्लावर्स को। पूजा में यूज़ करते हैं प्रेयर्स करने के लिए, घर को सजाते हैं दिवाली पे, आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए भी अपने फ्रेंड्स को, अपनी मम्मी को, फैमिली मेम्बर्स को, अदर फैमिली मेम्बर्स को फ्लावर्स देते हैं, ठीक है ना। और भी देखो और भी बहुत सारे यूजेज हैं। फ्लावर्स विद स्वीट एंड स्ट्रॉन्ग स्मेल आर यूज फॉर मेकिंग परफ्यूम्स। परफ्यूम्स बनाने के लिए भी फ्लावर्स का यूज़ किया जाता है। फ्लावर्स लाइक कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली आर ईटन एज फूड। ब्रोकली एंड कॉलीफ्लावर खाते हैं ना आप लोग, पत्ता गोभी और हरी गोभी, फूल गोभी और हरी गोभी जो होती है, ठीक है। वी डेकोरेट फ्लोर्स इन द हाउस विद फ्लोरल पैटर्न्स कॉल्ड रंगोली। फूलों की रंगोली भी बनाई जाती है। बुकेज ऑफ फ्लावर्स आर यूज फॉर ग्रीटिंग अवर फ्रेंड्स ऑन स्पेशल ओकेजन्स। फैमिली मेम्बर्स को या फ्रेंड्स को आप फूलों के ऐसे बुकेज बनवा कर भी देते हैं ना, देखा भी होगा आप लोगों ने फैमिलीज में ये सब दिया जाता है टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स है ना उनके स्पेशल ओकेजन्स पर। फ्लावर्स आर ऑल्सो यूज फॉर वर्शिपिंग गॉड एंड आर ऑफर्ड इन टेम्पल्स। भगवान की पूजा करने के लिए भी मंदिरों में चढ़ाए जाते हैं फूल। फ्लावर्स लाइक सनफ्लावर आर यूज फॉर मेकिंग ऑयल। सनफ्लावर से क्या बनाया जाता है बेटा? हाँ जी तेल, सनफ्लावर का तेल होता है, सूरजमुखी का तेल, ठीक है। यहाँ देखो क्या लिखा है, लेट्स नो गुलकंद दैट यू ईट इन पान आर ड्राइड रोज पेटल्स एंड शुगर। गुलकंद जो होता है पान में मीठा डलता है, उसको किस लिए हम कैसे बनता है वो, गुलाब के फूलों की पत्तियों से सुखाकर उनको और उसमें चीनी डालकर उससे फिर मिक्सचर वो बनाया जाता है और बहुत टेस्टी होता है। चलिए आगे देखो बेटा, क्लोव ऑयल इज अनदर फ्लावर ऑयल यूज एज मेडिसिंस। लौंग का तेल सुना है आपने, लौंग के तेल के बारे में, लौंग के तेल से दांतों को भी बहुत आराम रहता है, उसको मेडिसिन के लिए की तरह यूज़ करते हैं। और हमारी टूथपेस्ट में भी तो लौंग होती है ना। पेटल्स ऑफ रोज आर यूज फॉर मेकिंग गुलकंद द स्वीट मिक्सचर यूज इन पान एंड ऑल्सो यूज एज अ मेडिसिन। अभी हमने लेट्स नो में गुलकंद के बारे में क्या पढ़ा था, रोज पेटल्स और शुगर को मिक्स करके बनाई जाती है, वही दिखा है ना, स्वीट मिक्सचर है, पान में यूज़ होता है और मेडिसिन की तरह भी यूज़ होता है। फ्लावर्स आर ऑल्सो यूज टू मेक मेडिसिन एज वेल। फॉर एग्जाम्पल रोज पेटल्स आर यूज टू मेक रोज वाटर। रोज वाटर से स्किन भी ग्लो करती है और उसको हम अलग अलग तरह से यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी एक मेडिसिन की तरह यूज़ किया जाता है। वी फाइंड फ्लोरल पैटर्न्स ऑन क्लोथ्स। कपड़ों पर भी फूलों से प्रिंट्स बने होते हैं ना फूलों के, दे आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग नेचुरल डाइज। नेचुरल डाइज बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं, अलग अलग चीज़ों को कलर करने के लिए। सेफ्रन इज ऑल्सो अ फ्लावर। सेफ्रन इज यूज एज अ स्पाइस। सेफ्रन को स्पाइस की तरह यूज़ किया जाता है। केसर, केसर तो सुना है ना आपने, खाने में भी यूज़ करते हैं और भैया दूज पे राखी पे उससे तिलक भी किया जाता है या आगे पीछे भी लोग तिलक करते हैं केसर का, ठीक है। नेक्स्ट है, सम फ्लावर्स हैव बीन एन इंस्पिरेशन टू आर्टिस्ट्स एंड डिज़ाइनर्स। कुछ फूल तो लोगों को, आर्टिस्ट को, डिज़ाइनर को इंस्पायर करते हैं कि ये चीज़ हम अपनी जो भी डिज़ाइनिंग करें उसमें इनको यूज़ करें, इन फूलों को, ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। यू मस्ट हैव सीन डिज़ाइंस ऑफ फ्लावर्स मेड ऑन आइटम्स लाइक बेड शीट्स, वॉसेस, क्लोथ्स, इवन टाइल्स पर, फूलों वाली टाइल्स भी होती हैं जो आपके घरों की वॉल्स को, फ्लोर्स को डेकोरेट करने के लिए यूज़ की जाती हैं, ठीक है। तो ये सब हैं फ्लावर्स के यूजेस।
आपका ये लेसन बेटे कंप्लीट हो गया। आपने अब एक एक्टिविटी करनी है, पेज नंबर 72 पर एक्टिविटी सी देखिए, निकालिए पेज नंबर 72। हाँ जी, देखिए यहाँ है, मेक अ पिक्चर ऑफ अ फ्लावर एंड लेबल ऑल इट्स पार्ट्स इन द गिवन स्पेस। यहाँ पर आपने जो अभी मैंने डायग्राम आपको कराया था उसी को आपने ड्रॉ करना है, ठीक है। फूल बनाएंगे और फिर उसमें सारे पार्ट्स लेबल करेंगे। मैं इसकी बनाने की, ड्रॉ करने की वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप उसे देखेंगे एंड ये करेंगे। आपका होमवर्क है, पूरा लास्ट चैप्टर आपने रीड करना है और ये फला एक्टिविटी सी आपने होमवर्क में करनी है। नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।